है तो नंबर 15 भी 1+5 जोड़ने से 6 आता है, और है तो नंबर 51 भी 6 यानी शुक्र से जुड़ा। नंबर 15 और 51 का कमाल क्या है, कौन सा नंबर है शुक्र का एक्चुअल स्वरूप और कौन सा नंबर किसे सूट करेगा, चलिए बात करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी, वेलकम टू द चैनल। और आज आपसे बात कर रही हूँ नंबर 15, नंबर 51 हैं तो दोनों 6, फर्क क्या है। अब नंबर 15 को अगर कहूँ तो जब शनि का यंत्र बनता है, एवरी लाइन एंड कॉलम एज यू सी ऑन द स्क्रीन एड्स टू 6, वो शनि का यंत्र क्यों है। 15 वाला अंक शनि यंत्र में यूज किया जाता है क्योंकि जब व्यक्ति नियम से अपने कर्म को करता है तब उसकी जो वो साथ लेता है उसको, तो वो उसका कर्म उसको वीनस सक्सेस देता है। कहीं ना कहीं जिसको शनि ठीक करना हो ये शनि यंत्र यूज किया जाता है तो वो भी वीनस इज लक्ष्मी, वीनस है आपकी वैभवता, वीनस है आपकी ग्रोथ, है धन। हाउ यू वेल्थ यू अट्रैक्ट वीनस विल टेल यू। 51 भी न्यूमरोलॉजी में 6 को ही ऐड करता है, 5 and 1। इफ वी पील नंबर 15, पहले 1 सूर्य का अंक आया है, फिर है 5 मरकरी का। नंबर 15 कहता है पहले तू अपने अंदर लीडरशिप ले आ, फिर अपने कम्युनिकेशन को और अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर, उन सबको जोड़ के तू कार्य कर, आगे बढ़ेगा तब वीनस मिलेगा। तो जो हार्डवर्क करता है शनि वाला उसको लाइफ में कॉन्फिडेंस भी देता है, उसके अंदर के बिजनेस की एक्यूमेंट को भी एक्टिवेट करता है और उसका फिर वीनस एक्टिवेट होता है। नंबर 8 को 5 अंक बहुत सूट करता है और शनि अंत में कहीं ना कहीं जब ये 6 ऐड होता है एवरी वेयर तो उनको फिर वो लाइफ में वो सक्सेस मिलती है। ऑन द अदर साइड 51 फर्स्ट नंबर इज 5, बुध से जुड़ा हुआ है, मरकरी उसकी सोचने की क्षमता, इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस, माइंडसेट। फिर आया 1 लीडरशिप एंड कॉन्फिडेंस के स्किल सेट, दोनों को जोड़ने से आया 6 यानी वीनस है तो वो भी लग्जरी का नंबर। लेकिन नंबर 8 सीरीज में 15 ज्यादा सूट करता है, बट व्हेन इट कम्स टू अदर नंबर्स जहां पे आपको वीनस को एक्टिवेट करना हो 51 सपोर्ट्स मोर। लेकिन नेम नंबर 51 इज मोर पावरफुल देन 15 क्योंकि 15 में कहीं ना कहीं वो डिले आती है क्योंकि वो शनि वालों को सूट करता है। पर ओवरऑल अगर नंबर 24 है, जब आप वीनस माउंट में अंगूठे के नीचे लिखते हैं नंबर 24 ब्लू कलर की पेन से, तो वो आपके वीनस एलिमेंट को एक्टिवेट करता है। जैसे 24 एड्स टू 6, 33 एड्स टू 6, बट डिफरेंस बिटवीन 15 एंड 51 एनीबडी एंड एवरीबडी कैन यूज इट, गिव्स यू टोटल 6 फॉर द लग्जरी। That name number is much more powerful. Avoid 15, क्योंकि somehow from experience it brings delays, although it adds to 6. उसकी delay के बाद success देता है. And number 8 को overall number 5 suits. So when you are trying to activate 15 and 51, what number you should use? Again, consult a professional. But 51 name number for harnessing Venus energy. 15 को avoid क्योंकि उसमें delay आती है. बट शनि यंत्र में एस्ट्रोलॉजी से भी देखे तो यही वो है तो शनि की एनर्जीज को कम करता है, स्ट्रगल्स को अवॉइड करता है, क्योंकि फॉर द सैटर्न एनर्जी यू रियली हैव टू ब्रिंग डिसिप्लिन, यू रियली हैव टू स्टिक अप, यू रियली हैव टू शो अप एज अ लीडर, वो सारी एनर्जीज उसको देता है। बट ओवरऑल दैट 15 सूट्स मोर ऑफ नंबर 8 फोक्स, अदर नंबर्स कैन यूज 51। Now taking it further, अगर as a number 8 you are struggling for the name number, usually name change कराया जाता है number 5 पे, now in the series of 5 you have different numbers, you can add like 32 adds to 5, 23 adds to 5, 50 adds to 5, each number energy is different. जब आप किसी का नाम change करते हैं even on based on numerology, वेयर एस्ट्रोलॉजी यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इस, आपको देखना है उनके कुंडली में धन भाव क्या है, उनकी महादशा क्या है, उनकी कुंडली में 11th हाउस का क्या हाल है, कौन से प्लैनेट्स हैं, साइंस हैं, क्या चल रहा है,
द होल इंटरप्रिटेशन देन यू पिक अ नेम। नेम चेंज ये नहीं है कि आज आपने करा कल अच्छा नहीं लगा, लेट्स गो चेंज अगेन। ये वाइब्रेशन है। जैसे आप बर्थ नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते, नेम इज नॉट समथिंग यू चेंज एवरी डे, बट वॉट यू कैन चेंज इज योर हैबिट्स, ब्रिंग डिसिप्लिन। आपका शनि ठीक रहता है तो अगर नेम चेंज यूजुअली होता है, या तो आपको मार्स, राहु, केतु, मंगल ये प्रॉब्लम दे रहे हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इंस्टेबिलिटी है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ये प्लैनेट्स ही देते हैं। अब कमाल की बात देखिए, 4-7 राहु केतु के लिए, मार्स के लिए 9 एंड सैटर्न के लिए 8, ये जो प्लैनेट्स दिक्कत देते हैं, फर्स्ट इज रेमेडी, अपने कर्मास को अलाइन करिए, फोकस ऑन योर एक्शंस, और इट इज टू चेंज द नेम। बट वेन यू चेंज द नेम, जैसे कुंडली में धन भाव के सामने आपका है 8वां घर, पीड़ा का भाव, आप एक चीज बेहतर करने निकलते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह इम्बैलेंस आ जाता है। ईश्वर का तराजू हमेशा बैलेंस रहता है, ये नहीं कहता एक ज्यादा दूंगा दूसरा कम, तूने एक ज्यादा की चाह करी तो दूसरा भी बढ़ेगा। सो बैलेंस इज अलाइनमेंट। आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं, बेस्ट वे, दिक्कत क्या है, अलाइन योरसेल्फ। अगर सर्टन ऑब्स्टिकल्स ला रहा कहीं, इसलिए तो नहीं कि आप अपने सेवादारियों को समझते हैं दे आर बीनीथ यू, आप उनसे ऊपर हैं। जैसे ही ये माइंडसेट आता है, ईश्वर की लाठी पड़ती है। कहीं आपको एरोगेंस तो नहीं आ गया या ग्रीड तो नहीं आ गया? व्हेन यू लुक एट डिफरेंट एलिमेंट्स, इट इमीडिएटली टेल्स यू कौन से प्रॉब्लम बात करें। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता है जॉब की, आपके दिमाग में रजिस्टर होना चाहिए सैटर्न। सामने वाला आपसे कहता है एक्सीडेंट बहुत हो रही, सर्जरी बहुत हो रही, आए दिन चोट लग जाती है, योर माइंड शुड नो मार्स। सामने वाला कह रहा कि मैं ना काम करना चाहता हूँ जिससे समाज का भरा हो सके, केतु। सामने वाला कह रहा आई वॉन्ट टू बी मेगा, कहीं इल्यूजन तो नहीं है, राहु एक्टिव है। सामने वाला आपसे जो बात करेगा, इफ यू आर इनटू दिस प्रोफेशन, यू आर हेल्पिंग समवन, यू शुड बी ट्यून्ड इनटू, बगैर कुंडली देखिए उनकी कुंडली में ग्रह कहाँ है, कौन सी दशा है, कौन सा ग्रह बोल रहा है। बट दिस इज नॉलेज, दैट इज अ डिवाइन ग्रेस। कहते ना, जिस चीज की आप कदर नहीं करते हो वो आपकी नहीं करती है। इफ यू आर ब्लेस्ड विद नॉलेज, इफ यू हैव दैट इनसाइट्स, डोंट मिसयूज इट। व्हेन यू सर्व, हैव द माइंडसेट ऑफ अ मंक, तभी आपका केतु रहेगा एक्टिव, क्योंकि कहीं केतु को गुरु का चेला इसीलिए कहा गया है। वो आपको वो दृष्टिकोण दिखा देता है जो छुपा हुआ है। सो व्हेन यू आर यूजिंग 15 एंड 51, व्हाट हैव यू एक्सपीरियंस्ड? क्या नंबर 15 आने से आपको अपनी लाइफ में शुक्र वाले इफेक्ट कम आए, स्ट्रगल ज्यादा आया? उसकी वजह यही थी। एंड इफ यू आर यूजिंग, व्हेन यू स्विच टू 51, यू विल फाइंड मोर एवोल्यूशन ऑफ द वेल्थ, यू अट्रैक्ट एंड मैनिफेस्ट बेटर, because that is the number in the 6 series that suits everyone. But irrespective, if you don't know anything, just writing 24 underneath your thumb activates Venus. Whether in any of the Asian culture, you would know number 24 and 8 series is considered lucky. Now 8, not in the odd numbers, odd combinations, but 24 you can. Now as I've already shared in my other videos, 33 ka difference hai combination mein, 24 ka, but 24, yes, you can use it. बट कीप इन माइंड, आप अगर किसी चीज़ की पॉजिटिविटी को इनवाइट कर रहे हैं तो उसको बैलेंस कैसे करें? अगर धन बहुत है, फेम बहुत है, ह्यूमिलिटी ले आइए, क्योंकि ईश्वर को बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है। लेट मी नो, क्या ये आपके घर के नंबर में आया है 15, या आपके नेम नंबर में आया है, या 24 यू आर रिलेटेड 6 से रिलेटेड, क्या ये आपके घर में या बर्थडे में आया है, तो आपने क्या ऑब्जर्व करा है? इस एपिसोड को शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे। Take care.